स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आपके कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप पूछे, हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े हुए ही सिर्फ अपने सवाल भेजें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, बिटपन मजुमदार हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है bmazumdar.com से, अनुज गुप्ता हैं, वीपी कमोडिटी एंड करेंसी IIFL सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। M6 की बात करें तो 8% की तेजी दिख रही है। दिसंबर का नेचुरल गैस का वायदा 640 रुपए के भी ऊपर चला गया। राजीव जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, और दिसंबर के ऑप्शंस में कुछ यहाँ पर ऑप्शन लग रहा है कि आपको कोई बेहतर ऑप्शन सूझ रहा हो? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, नेचुरल गैस टोटली न्यूज़ ड्रिवन है। अगर कोई न्यूज़ रशिया की तरफ से आती है कि सप्लाई कंस्ट्रेन होंगे, जिस तरह की न्यूज़ आई, और उसके बाद नेचुरल गैस में हमने एक बहुत अच्छी खासी बढ़त देखी। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जब भी ट्रेडर कोई ट्रेड ले तो ऑप्शंस के साथ लें, अदरवाइज इंट्राडे ट्रेड करें विथ स्टॉप लॉस करें। तो ऑप्शंस में एक छोटी सी स्ट्रैटेजी समझ में आती है। अभी नेचुरल गैस का रुख भी थोड़ा अपसाइड में ही दिखता है और फर्दर, तो मुझे लगता है कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 650 रुपये का जो कॉल है वो अराउंड 84 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसको बाय कर सकते हैं, और साथ में 700 रुपये का कॉल 67 में बेच सकते हैं। तो करीबन 17 रुपये का इसमें कॉस्ट लगेगा, और जैसे ही ये 17 रुपये आपके अराउंड 28 से 30 रुपीज़ होते हैं तो प्रॉफिट लॉक कर दिया जाए। और नीचे में स्टॉप लॉस के तौर पर जैसे ये 17 रुपये 12 रुपये रह जाते हैं डिफरेंस में, तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये किए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को अपनाया जा सकता है। ओके, तो यानी ऑप्शंस में इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना है। अनुज जी, आपका व्यू नेचुरल गैस को लेकर क्या है? जिस तरह की तेजी आई है, बयान आया है कि रूस ने चेतावनी दी है कि यूरोप के लिए वो गैस की सप्लाई बंद कर सकते हैं, अगले मंडे से इस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं, तो क्या इसका क्या असर लग रहा है? कितनी तेजी की उम्मीद यहाँ से हो सकती है या सिर्फ खबर है? अगर अटकलें रही, अगर ऐसा फैसला नहीं हुआ तो वापस से नेचुरल गैस तेजी से गिर सकता है। अनुज जी, शायद इनके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। बिटपन, आप बताइए नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या बन रहा है अभी? देखिए, जो राजीव जी ने बताया था कि नेचुरल गैस अभी फिलहाल न्यूज ड्रिवन है, और न्यूज ड्रिवन में मतलब जो गैस्प्रोम है, रशिया का जो मेन जो एनर्जी सप्लायर गैस्प्रोम ने बताया कि प्रोबेबली वो यूरोप में कट कर सकता है गैस सप्लाईज बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट। और यूएस में भी और एक चीज है कि कोल का डिमांड बढ़ने से भी नेचुरल गैस का और एक जो सब्स्टिट्यूशन डिमांड है वो भी आ रहा है फॉर पावर जनरेशन। तो मोटा मोटी अभी जो सिनेरियो देख के आता है, जो अभी नेचुरल गैस में थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक ही है फिलहाल के लिए। अभी नेचुरल गैस अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 590 के आसपास, तो तेजी में ही माहौल में है। मेरे हिसाब से मोमेंटम अभी तक तो कंटिन्यू है। सामने 600 का जो एक लेवल है, 600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है M6 में, वो थोड़ा सा लगेगा कि वहां पे मार्केट रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है प्रोबेबली 620-625 तक मार्केट बन सकता है। लेकिन 620-625 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, किसी का भी अगर लॉन्ग पोजिशन है तो वहां पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग लेना चाहिए। अगर अगर किसी को ट्रेड लेना है यहाँ पे फ्यूचर्स में, राजीव जी ने तो ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको बता दिया है, किसी को फ्यूचर्स में अगर ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना पड़ेगा। 580, 582, 580 के आसपास अगर डिप्स मिलता है यूएस मार्केट ओपनिंग के आसपास, तो मेरे हिसाब से उस हिसाब लॉन्ग ले सकते हैं 564 के नीचे स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट रहेगा इनिशियली 600-620। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मार्केट बुलिश का ही सिनेरियो है, थोड़ा सा तेजी और भी बचा हुआ है। जिस तरह से गैजप्रोम ने, अनुज जी, गैजप्रोम ने जिस तरह से कहा है कि वो यूक्रेन के जरिए 28 नवंबर से रूस से होने वाले गैस सप्लाई को कर्व कर सकते हैं, इसका कितना असर आप देख रहे हैं और क्या ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं? विश्वमोहन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ऑलरेडी ये न्यूज का इम्पैक्ट हम प्राइस में देख रहे हैं, और आप देखेंगे तो जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो करीबन 640 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई और साथ में जो विंटर सीजन है उसकी वजह से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखा है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी, क्योंकि विंटर सीजन भी है और सामने सप्लाई सिचुएशन भी है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा। यहाँ पर फिलहाल अभी खरीदारी की ट्रेड ही देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन का कॉल देना चाहूँगा 700 का जो
कॉल ऑप्शन है करीबन 50-60 रुपए के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 50 रुपए पे स्टॉप लॉस अगर टारगेट ऊपर में करीबन 75 से लेकर 80 तक देखने को मिल सकता है, तो प्लेन वनीला कॉल रहेगा जिसमें 700 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। और अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग लेनी है तो करीबन 630 के आसपास खरीदारी करें, 605 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 660 तक देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं राहुल, हैं मुंबई से, 1 साल के लिए चांदी खरीदना चाह रहे हैं, किस भाव पर खरीदना सही होगा? अनुज जी क्या सलाह देंगे चांदी में? हालांकि अच्छी रिकवरी दिख रही है, दिन के निचले स्तरों से देखें तो अब 500 रुपये तक चढ़ चुका है। दिन में हमने देखा था कि 60,900 के आसपास भाव था और अब देखिए 61,500 के ऊपर चला गया है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे चांदी में? देखिए लास्ट वीक हमने देखा था करीबन $20.50 से मार्केट एक सपोर्ट लेकर आया और नीचे करीबन हमने देखा था कि 60,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया है। हमें लगता है कि चांदी में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। अगर इनका एक साल का व्यू है तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ट्रेंड चांदी ने लिया है वो थोड़ा सा अभी तो रेंज बाउंड है, बट जिस तरीके से रिकवरी हमने पिछले 10 दिनों में देखी है, हमें लगता है कि बाउंस बैक ही सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा। तो सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि लिया जा सकता है। नीचे अगर इनको वही शॉर्ट टर्म की बात करें तो 61,000 के आसपास के लेवल मिले तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 62,000 से लेकर 62,500 वेरी शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकता है। और जहां तक एक साल की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगेन हम चांदी को 70,000 की रेंज में आता हुआ देखेंगे, मार्केट में करीबन $25 से $27 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी के अंदर शॉर्ट टर्म में भी खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली 70,000 के लेवल आपको एक साल में देखने को मिल सकते हैं। चांदी पे एक और सवाल है, राजीव जी आप ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा। नीरज हैं दिल्ली से, इनका सवाल था कि सिल्वर मिनी फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट 62,900 रुपये पे इन्होंने सेल किया हुआ है, क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या निकल जाए? 62,900 में सिल्वर मिनी फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सेल किया है। विश्वमोहन जी देखिए सिल्वर मिनी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप, 62,000 कितने में सेल किया हुआ इन्होंने? सर 62,900 रुपये में। ओके विश्वमोहन जी देखिए अगर सिल्वर मिनी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 63,300 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो मेरे ख्याल से इनको एक स्टॉप लॉस 63,300 का जरूर मेंटेन करना चाहिए, और नीचे में 62,600 भी आए तो एक बार शॉर्ट से जरूर निकल जाएं, क्योंकि सिल्वर में ओवरऑल जो ट्रेंड है थोड़ा बुलिश लग रहा है। अगर मैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं सिल्वर की तो 61,800 62,000 के बाद मुझे लगता है 800-900 रुपये की एक स्पर्ट आ सकती है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 15 मिनट के चार्ट पर हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न डेवलप हो रहा है जिसका ब्रेकआउट अराउंड 61,800 के आसपास होगा और उसके बाद सीधा टारगेट जो है 62,900 तक के देखते हैं, तो इन्हें 63,300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना चाहिए सिल्वर मिनी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा विश्वमोहन जी जो मैंने नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी बताई थी वो दिसंबर के ऑप्शंस की है, तो ये मैंने आज तो एक्सपायरी का उनका दिन था, 2 दिन पहले तो फ्यूचर्स में मिल जाते तो उसमें तो ट्रेड बनेगा भी नहीं, दिसंबर के लिए है सर। हाँ जी मैं क्लियर कर। बिल्कुल सर, ये सिल्वर मिनी का जो फरवरी का भाव है वो 63,000 के आसपास का है, तो क्या आज इन्हें मौका मिलेगा 62,900 पे निकलने का? अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर का और वहां से तेजी की उम्मीद आपको लग रही है तो क्या निकल जाए? 100 रुपये तो नीचे डिप दिखाई देगी चांदी का भी निकल जाए तो बेहतर रहेगा, बट 63,300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। ओके, अगर बने रहना है तो 63,300 का स्टॉप लॉस लगाए, नहीं तो जब भी कहीं पे डिप मिले तो निकलने की कोशिश अपने सेल कॉल से करें। अगले दर्शक है क्रिश है कॉपर पर, बिटपन क्या सलाह देंगे इनको कॉपर पर? कॉपर ने देखिए फिलहाल के लिए तो कॉपर में थोड़ा सा मॉडरेट तेजी रह सकता है क्योंकि जो कमोडिटीज में जिस तरह से एक डीप आया था बेस मेटल में और गोल्ड सिल्वर में थोड़ा डीप आया था, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये डिप्स काफी हद तक है और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा एक मॉडरेट तेजी के लिए जाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो कॉपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉपर में ही बाइंग आएगा, 665-664 के आसपास जो मैं लास्ट वीक बताया था वही लेवल है, काफी इंपोर्टेंट लेवल है, उसके आसपास मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं। 659 के नीचे स्टॉप लॉस लाके 674 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 680 तक रुक सकते हैं। लेकिन कॉपर में बहुत शार्प तेजी नहीं है जिस तरह से गोल्ड सिल्वर में है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट तेजी आपको दिखेगा। व्यू है कॉपर को लेकर। अगले दर्शक है सुनील है राजस्थान से, ग्वार सीड 6,200 रुपये पे खरीदा है, अब जाना चाह रहे कि क्या करें। अनुज जी क्या करना चाहिए इनको? 6,200 रुपये की बाइंग है,
हालांकि आज दिन के निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी लौटी है, क्या लग रहा है कल के सत्र में यहाँ पर तेजी अच्छी दिखेगी क्या? ग्वार गम तो तेजी दिखा रहा है लेकिन ग्वार सीड आज कमजोर है, क्या लग रहा है आपको अनुज जी? शायद अनुज जी आपसे मेरा सवाल था 6,200 ग्वार सीड की। ग्वार गम में हमने एक हायर लेवल से जी जी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। हालांकि मुझे लगता जी बोलिए सर। है देखिए ग्वार सीड की लगता है कि अभी जो ट्रेंड पकड़ा है ग्वार ने वो एक रेंज बाउंड में रहेगा। हालांकि हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, बट हमें लगता है कि नीचे 5,700 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ग्वार ने लिया है। हमें लगता है कि नीचे में 5,700 और ऊपर में करीबन 6,300 ये एक रेंज मेंटेन रहेगी। हालांकि जिस तरीके से हमने एक रिकवरी इसमें कंटिन्यूस आते हुए देखी है तो एक काउंटर थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। हालांकि 6,000 के ऊपर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रिस्की जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर 5,700 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन ये एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर अगेन आपको 6,000 6,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक अनुज गुप्ता हैं झांसी से, 52,300 रुपये पे अभी गोल्ड चल रहा है, गोल्ड पर इंट्राडे के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं। राजीव जी आपसे पूछना चाह रही है क्या करना चाहिए इनको, 52,311 के आसपास भाव है, क्या करें मौजूदा लेवल पर? विश्वमोहन जी देखिए, गोल्ड ने एक रेंज पकड़ा है कल से 52,500 और करीबन 52,100 का, तो मुझे लगता है कि 52,200 के आसपास अगर गोल्ड मिले तो खरीद सकते हैं एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 52,000 का, 52,500 का इसमें पहले टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये नीचे नहीं आता है और सीधा 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है तब भी खरीदारी कर सकते हैं 52,800 के लिए, बट पहला टारगेट 52,500 रहेगा जो एक अहम रेसिस्टेंस है, और 52,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया देन 52,800। चलिए अगले दर्शक है अजय रावत है देहरादून से, क्रूड 7,500 स्ट्राइक की कॉल, काफी ऊपर की स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है, अब जाना चाह रहे क्या करें, बिटकॉइन क्या करना चाहिए इनको? क्या कर लेना चाहिए कि वहां तक स्ट्राइक को तो आपको टाइम दिखे ही आ जाएगा कि काफी ऊपर लेवल पे लिया है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो आएगा बीच में। हाँ थोड़ा बहुत में थोड़ा स्टेबिलिटी आ सकता है लेकिन इतना डीके हो जाएगा तब तक आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल में देखिए ओवरऑल जो सिनारियो है क्रूड ऑयल में इतना बड़ा तेजी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा शार्प डाउन साइड भी नहीं है, अभी स्लाइडली थोड़ा सा अभी लास्ट हाफ एन आवर के आसपास थोड़ा मार्केट गिरा भी है। लेकिन क्या है क्रूड ऑयल में अभी जो मैं अगर नाइमेक्स का क्रूड ऑयल देखता हूँ तो नाइमेक्स में मुझे लग रहा है जो क्रूड ऑयल है थोड़ा सा भी एक ब्रॉडर रेंज में चलेगा 82-83 का ऑन द हायर साइड फॉर टाइमिंग, और नीचे शायद प्रॉब्लम 74-75, तो मॉडल पकड़ के 75 की बॉटम साइड और टॉप में 84-85, तो उस लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि जो आपके जो कॉल है मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट में आएगा, मेरे कोई भी पुल बैक आता है तो एग्जिट बनना पड़ेगा। 75 वाले काफी काफी बड़ा एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से, वो लेवल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो गेट एन एग्जिट अर्ली कोई पुल बैक आता है तो। ओके अगले दर्शक है हमारे साथ पवन है हिसार से, ग्वार सीड अगले साल की शुरुआत तक कहां तक जा सकता है, ग्वार सीड को लेकर अगले 2-3 महीने तक के लिए क्या आउटलुक है राजीव जी आपका? विश्वमोहन जी आउटलुक बुलिश है इसमें, थोड़ा मार्केट करेक्ट कर सकता है क्योंकि ओवर बॉट था, और कल आंकड़े भी आए हैं ग्वार सीड के, राजस्थान सरकार की तरफ से भी आंकड़े आए फसल के, तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, प्लस एनसीडीएक्स की तरफ से कुछ मार्जिन इंक्रीज हुए उसका भी एक प्रेशर देखने को मिला, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए। नीचे में अगर 56-57 सौ के आसपास मिले तो खरीद सकते हैं एटलीस्ट, जो अभी कल के हमने जो टारगेट कल के जो हाई देखे थे कल और परसों के, एटलीस्ट वहां तक तो मार्केट जाएगा, और जनवरी के लिए अभी बताना मुश्किल है क्योंकि जैसे जैसे आंकड़े आएंगे फसल के आवक आएगी उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा ग्वार के आगे आने वाले रुख पर। इसके बंसल है ग्वालियर से, ये कॉटन केक में ट्रेड करना चाहते हैं, अनुज जी कॉटन केक का रेंज क्या है इनको बता दीजिए ताकि ट्रेड में आसानी हो। देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी, आज हमने देखा ऑलमोस्ट 2800 के आसपास के लेवल आए थे, करीबन 2794 का इसने हाई बनाया है। फंडामेंटल साइड जाए तो डिमांड बढ़ने की वजह से अच्छा खासा इसमें सपोर्ट है। हमें लगता है कि इसमें जो एक रेंज बनी है नीचे में करीबन 2600 और ऊपर में करीबन 2900, तो ये रेंज यहाँ पर मेंटेन रहेगी। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, हमें लगता है कि जल्दी आपको 2850 से लेकर 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो भी डिप मिलता है 2740-2700 तक वहाँ पे आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके पवन है कानपुर से, जिंक में आज क्या करना चाहिए, बिटुपन जिंक में क्या करना चाहिए पवन को?
जिंक में तो एक इनसाइड ट्रेड ही हुआ कल जिंक में, लेकिन ट्रेंड डाउन है थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से बेसमेंट में कॉपर ऊपर में रिकवरी हुआ था, लेकिन जिंक में कोई खास नहीं है। जिंक ने डाउन ट्रेड, इनसाइड ट्रेड के हिसाब से थोड़ा अभी लग रहा है कि देखिए पूरा ट्रेंड ही डाउन है, तो मुझे लग रहा है कि 264 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके थोड़ा सा पुल बैक मिलता है 261-261.50 के आसपास, मेरे हिसाब से शॉर्ट बनेगा। 258 ऑन द लोअर साइड हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 258 का फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है तो शायद 256 भी पहुंच सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा इंट्राडे में 7 राइज भी आइडियल स्ट्रेटजी फॉर द डे। ओके, अभिषेक हैं दिल्ली से, अनुज जी आपसे सवाल है, नेचुरल गैस और गोल्ड में आज क्या करना चाहिए इनको? देखिए नेचुरल गैस में तो मुझे लगता है कि नीचे अगर प्राइस 630 तक मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, 605 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 660 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड सजेस्टेड है, हमें लगता है कि गोल्ड में करीबन 52,000 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 51,750 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,500 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि एक बार 1,755-1,750 डॉलर तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक है हमारे साथ विनय मेहता, आज का सिल्वर का टारगेट जानना चाह रहे हैं, आज का आपका टारगेट क्या है राजीव जी? हाँ विश्वमोहन जी, मैंने पहले भी बताया कि जैसे ना इसमें 61,800 के आसपास एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, अगर मार्केट 61,800 के ऊपर सस्टेन किया तो 62,000 और 62 के बाद 62,900, ये तीन टारगेट बनते हैं इंटरडे के लिए। बट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये दो रेसिस्टेंस जो है 61,800 और 62,000 को सिल्वर क्रॉस करें, बट ओवरऑल ट्रेंड ऐसा लगता है कि आज में बुलिश रहना चाहिए, नीचे में स्टॉप लॉस जो है 61,000 के नीचे मेंटेन करना है। ओके, चलिए तो ये व्यू है इस सिल्वर को लेकर। अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, आर्यू पटेल हैं, कॉपर दिसंबर वायदा 678 में दो लॉट इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए अनुज जी इनको? 678 की बाइंग है कॉपर। देखिए कॉपर का ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। अभी आपने देखा था कि करीबन 670-673 तक एक बार मॉर्निंग में आया था, अगेन एक्सपेक्टेड है कि एक बार 673-675 तक आ सकता है, ट्रेंड पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, एक बार एट कॉस्ट के आसपास के लेवल मिले तो हम एग्जिट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सवाल जवाब के बाद कुछ एग्री सेक्टर का आउटलुक भी ले लेते हैं। हमारे साथ राजीव यादव जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ओरिगो कमोडिटीज़ के, सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले खाने के तेल की बात कर लेते हैं, जिस तरह की तेजी हमने शुरुआत में देखी थी रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से, यानी कोविड के बाद से ही लगातार तेजी थी, लेकिन सप्लाई की दिक्कतों की वजह से वो तेजी और बढ़ती चली गई, लेकिन बाद में फिर नरमी आई, हालांकि अब एक कंसोलिडेशन फेज में हल्की तेजी दिखी है लेकिन एक रेंज में ही घूम रहा है, क्या उम्मीद करें, क्या आगे खाने के तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है, और मस्टर्ड की सोइंग को लेकर किस तरह के डेटा आ रहे हैं, और क्या मस्टर्ड के प्राइसेस आगे किस तरह के रह सकते हैं? श्योर। सो विश्वमोहन जी, मेरा इस पे ये प्रतिक्रिया रहेगी कि जो मलेशियन पाम ऑयल प्राइसेस हैं, जैसा आपने कहा अप्रोक्सीमेटली 5-6% पिछले लोस से थोड़ा वापस ऊपर आए हैं, उसमें रिकवरी देखने को मिली है। नियरेस्ट लोस शायद 3800 मलेशियन रिंगेट्स पर टन पे थे, जो अभी वापस अपसाइड में थोड़ा सा चल 4040 के लेवल्स तक आए हैं। बट इसके अगेंस्ट में अगर आप एडिबल ऑयल सोया ऑयल को अगर आप देखेंगे तो उसकी सप्लाईज में वर्ल्ड में भी थोड़ी सी बेटर स्टेबिलिटी आई है, और क्योंकि इंडिया की क्रॉप में भी अभी हार्वेस्ट फेज में चल रही है और क्रश मार्जिन पॉजिटिव होने के कारण क्रशर्स भी एंजॉय कर रहे हैं पॉजिटिव मार्जिन, एंड हेंस क्रशिंग विल हैपन, जिसके कारण एडिबल ऑयल की सप्लाई सोयाबीन ऑयल की बनी रहेगी, तो सोयाबीन थोड़ा नरम रहेगा और सीपीओ में मार्जिनल थोड़ी बहुत तेजी है, बहुत लंबी चौड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अगर हम इसमें कोई कुछ करना चाहेंगे तो आई वुड सजेस्ट वी कैन गो शॉर्ट सोयाबीन ऑयल एंड वी कैन गो लॉन्ग सीपीओ, दैट वुड बी माय कमेंट ऑन दैट। कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर टू व्हिच वाज अराउंड सरसों, तो सरसों की सोइंग देखिए अभी लगभग 6.32 मिलियन हेक्टेयर्स हो गई है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15% ऊपर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नाउ एज ऑफ नाउ वी आर टूवर्ड्स द कम्प्लीशन ऑफ द सोइंग पीरियड, अभी तक वेदर सपोर्टिव है, इफ ऑल गोज वेल फॉर नेक्स्ट 4-5 months वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट मस्टर्ड क्रॉप, विच शुड ऑल्सो कीप द मस्टर्ड प्राइसेज अंडर चेक। मतलब मस्टर्ड प्राइसेस में मुझे बहुत लंबी चौड़ी तेजी नहीं लगती है, उसके लिए सिर्फ क्रॉप को अच्छे से एंड तक ले जाना का एक बात रहेगी।
ओके सर, चलिए यानी बुआई अच्छी है तो सोयाबीन की, सॉरी सोयाबीन को तो आपको शॉर्ट करके जाना है, लेकिन क्रूड पाम तेल में इनको लग रहा है कि तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन सरसों को लेकर अपडेट ये है कि बुआई पिछले साल के मुकाबले अच्छी, तो उत्पादन भी बेहतर रहने का अनुमान है। सर अब गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं हालांकि जो पिछले सीजन में आप लोगों ने सबसे पहले अंदेशा जताया था कि गेहूं का उत्पादन इस साल कम रह सकता है, और रहा भी सरकारी अनुमान के मुकाबले काफ़ी कम रहा, और इस साल जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट स्थिर है भाव, लेकिन घरेलू बाजार में लगातार दाम बढ़ रहे हैं, महीने भर में 3.5%, और पिछले एक साल में देखे तो 12% से ज़्यादा के दाम, ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी है। क्या लग रहा है गेहूं के दाम कब तक कम होंगे? क्या नई आवक आने का इंतजार करना होगा रबी सीजन की, रबी की गेहूं आएगी तब तक, या कुछ नरमी की उम्मीद करें? शॉर्ट टर्म में हमारा जो विचार है, जैसा कि आपने कहा, क्रॉप काफी कम थी पिछले साल से, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्राइवेट वर्ल्ड में सप्लाईज कम थी, और ये शॉर्ट टर्म में ये तेजी बनी रहेगी। इसका इंटरवेंशन एक ही है जो लोग मार्केट में उम्मीद करके बैठे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 1 मिलियन या 2 मिलियन की टन की ओएमएसएस में सप्लाई आएगी। वो सप्लाई एक शॉर्ट टर्म ब्रेक जरूर लगाएगी, बट एज यू राइटली सेड, लॉन्ग टर्म में व्हीट प्राइसेस को स्टेबलाइज होने के लिए हमें न्यू क्रॉप का वेट करना पड़ेगा। सेंटिमेंट्स उसमें भी हमारी सोइंग आज की तारीख में 15% ऊपर चल रही है पिछले साल से। पूरे साल प्राइसेस फर्म रहे थे, किसानों को रियलाइजेशन अच्छा मिला था, तो उस कारण से सोइंग व्हीट की एकरेजेस बढ़ेंगी, और इन्होंने काफी पल्सिस की एकरेजेस को भी खाया है। ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस टिल द न्यू क्रॉप कम्स इन, देन ओनली विल द प्राइसेस कम डाउन, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस, इधर गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन विद सम क्वांटिटीज, चाहे वो 1 मिलियन ओएमएसएस दें या 2 मिलियन, उससे पहले मुझे मार्केट में जल्दी राहत आती हुई नहीं दिखती है। सर कॉटन को लेकर छोटा जवाब चाहेंगे, वक्त की कमी है। सर कॉटन को लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि आवक भी काफी कम है, लोगों को लग रहा है कि आगे दाम बढ़ेंगे इस उम्मीद में लोग अभी मार्केट में ला नहीं रहे। क्या लग रहा है कॉटन प्राइसेस को लेकर, आपका आउटलुक क्या कह रहा है? कॉटन में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो 34 मिलियन 34.4 मिलियन बेल्स का प्रोडक्शन का नंबर है, हमारा प्रोडक्शन का नंबर उसके अगेंस्ट में 36 मिलियन बेल्स है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले साल किसान ने बहुत ऊंचे भाव देख लिए, वो उन ऊंचे भावों की अपेक्षा में इस साल इतने नीचे के भावों में कपास को सेल नहीं करना चाह रहा है। दैट इज द मेन रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। महाराष्ट्र क्रॉप इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन्स, गुजरात इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन्स, they are coming out with a good crop. We do not see any concerns in terms of the supplies. जो आज थोड़ी बहुत तेजी बनी हुई है और शायद और बनी रहेगी आगे आने वाले समय में, वो इसीलिए है कि किसान जल्दी से माल इन लेवल्स पे एडजस्ट नहीं कर रहा है अपने दिमाग में बेचने के लिए। ओके शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त निकाला और खाने के तेल पर, गेहूं पर, कॉटन पर अपना आउटलुक बताया। शुक्रिया राजीव कपूर जी आपका भी, अनुज गुप्ता जी आपका भी, बिटपन आपका भी, आप लोगों ने दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे।